का वो करवाने, उनकी नेक गर्दन में वो मोच, नहीं गर्दन में मोच आती है। गुड मॉर्निंग, हैव अ ब्यूटीफुल डे टू ऑल ऑफ यू विद ब्यूटीफुल चंपा आंटी एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल आर्वियंस। चंपा आंटी आए हैं गाइस, आपको पता ही होगा चंपा आंटी कौन है, मैंने बताया था वो बहुत पहले हमारे घर पे काम करते थे, महीपुर से हैं। और ये हमारे लिए इतने सारे टमाटर और ये लहसुन लेकर आए हैं चंपा आंटी। काकी मासी से मिलने आए हैं, वो है नहीं, कह रहे हैं पता नहीं, जब भी मैं आती हूँ काकी बब्बू होती ही नहीं, फोन करो फोन उठाती ही नहीं, है ना। तो अभी हमने मासी से बात करवाई तो मासी लुधियाना है। चंपा आंटी रुक जाओ, हम ले आएंगे मासी को जाके, जब तब तब तक थोड़े दिन के लिए रुक जाओ। इनके घर पे काम वाम होता है तो वो रुक नहीं रहे हैं, ऐसे कर दो यूं करके कर दो हेलो। चलो कर लो नाश्ता। आर्यन पहले पानी नहीं आता था, ठीक है, अब पानी सुबह से 6:30 बजे से लेके नॉन स्टॉप आ रहा है, अभी तक 12 बज रहे हैं इस टाइम तक नॉन स्टॉप पानी आ रहा है। चलो सही है, जितना भी पानी खा लो खाली हुआ सब भर जाएगा। मासी वाली तो टंकी भर गई, अपनी वाली भी हमारी 5000 लीटर की है तो भरने वाली होगी आई थिंक अपनी भी। तो गाइस इस टाइम 12 बज रहे हैं और चंपा आंटी से आप मिले, वो उनको नाश्ता करा दिया तो वो निकल गए अपने वापस घर के लिए महीपुर। भाई भी निकल गए अपने घर के लिए और फिलहाल मैं नहा धो के फाइनली मुझे आज नहाने मिला गाइस। तो नहा धो के थोड़ा सा चिल कर रही हूँ क्योंकि बैकिक हो रही है, बैक पेन हो रही है थोड़ी, इसलिए थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ 10-15 मिनट के लिए, फिर उठूँगी फिर खाना वाना बनाऊँगी। और दुगल जी गए हैं अपनी नेक का वो करवाने, उनकी नेक गर्दन में वो मोच, नहीं गर्दन में मोच आती है, गर्दन पे चुक पड़ी हुई है, कुछ पेन वेन हो रही है तो वो मलवाने गए हुए हैं। तो आते हैं तो मिलाती हूँ आपको गाइस, ठीक है। दुगल जी को डराने का प्लान, पानी आ रहा था तो मैंने चला दी थी। आइए आइए मलवा ली गर्दन, ठीक हो रही है, हम थोड़ा बहुत रिलैक्स है। अच्छा ठीक से बता दो आके यहाँ पे, क्या गर्दन में क्यों रिलैक्स नहीं है? से ना कर बेटे, मेरे को झटका लगा, मैं में लगा हरकतें करने लगा यहाँ पे पागल। चलो ठीक है ठीक है नोनी, कोई नहीं चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा दो मारी। हाँ चलो आ तो जाएगा, पर ऐसे तो ठीक है, पर कि कई बार झटका लगता है ऐसे करके, फिर अनकंट्रोल हो जाता है आदमी, मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाता है आदमी, होता ही नहीं पता नहीं क्या, ऑटोमेटिक कंट्रोल ही नहीं। इसको राउंड राउंड घुमाते रहो आप ही ठीक आ जाएगी। गालियां बड़ी हैं, ब्लॉग शूट कर रहे अच्छा आर्वियंस आ जाओ, आपको लंच करवाते हैं मस्त सा, मस्त लंच करवाते हैं आपको मस्त, भिंडी बन रही है आर्वियंस मेरी, और भिंडी थोड़ी सी जल्दी है दिखाओ हैं नोनी, भिंडी नहीं जली एक्चुअली, भिंडी का मसाला थोड़ा सा मतलब इतना तो चलो चलता है कभी कभी, पास आके दिखा दो नहीं, इतने तो चलता है कोई बात नहीं गाइस। इसके चक्कर में मेरा हाथ भी जल गया साथ में, क्या बात, परसों प्याज छिलते छिलते कट गया था अंगूठा। ये काम तो नॉर्मल है गाइस, ये तो सबके साथ होता है आपको बताइए। तो लंच बन रहा है अभी, 3 बज गए मैं थोड़ा अपने काम में बिजी हो गई थी, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह शेयर करनी थी, डांस वीडियोस करनी थी अपने डांस वाले उस पे चैनल पे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो वो सब करने में टाइम लग गया। अभी फिलहाल खाना बन रहा है, 5 बजे तक अकेडमी करने आ गया, ठीक है। आवाज की चीज क्या दी भाई, पानी 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 टंकी है भाई, 2 दिन से खाली और आज पानी है, आज ही भर गई, वाह ओ भगवान, नोनी 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 नोनी।
तुझे तो पता ही नहीं है वैसे भी तुझे तो, इसको तो जो बचपन की जो इसकी चीजें थी ना वो इसकी अब फेवरेट नहीं है जो बचपन में फेवरेट हुआ करती थी। गाइस देखो इसको बिस्की भिंडी फेवरेट होती थी, इसने छोड़ दी गाइस खानी भिंडी। हद है, तो आज हम लोग का लंच हो रहा है। ओके गाइस तो हम लंच कर लेते हैं, आप वहीं से टेस्ट ले लो गाइस। भिंडी इज लुकिंग डिलीशियस ना, क्योंकि मैंने बनाई है। आपने क्या बनाई है? वैसे भी मैं ही बना रही हूँ, सब कुछ तो मेरा ही बना हुआ है। तो अब तुम जब भी बोल याद दिलाते हो मुझे, क्लास खत्म हो जाती है ना, कल भी तुमने ही करा था। गाइस क्या जुल्फे सी लटक गई आगे, ओहो हार्वियंस 8:30 हो गए। देखो बच्चों का कंपटीशन है 31st में, जिसमें मुझे जाना है जजमेंट के लिए। आई थिंक आपको मैंने शायद ही बताया होगा या पता नहीं, 28 में जाना था वैसे तो मुझे, बट 28 में ना जाके 29 की मॉर्निंग को मुझे निकलना है चंडीगढ़। मेरा मॉडलिंग शो है, दोस्ती करवा रहे हैं, तो उसमें एज एन मॉडल मैं रैंप वॉक करूँगी। एक्सपीरियंस के लिए जा रही हूँ। कहते तेरी भाई हाइट वाइट अच्छी है, अच्छी दिखती है, तो यू शुड ट्राई इन मॉडलिंग। तो मैं क्या चलो ट्राई करते हैं, लेट्स सी क्या बनता है अपना, है ना। एक्सपीरियंस के लिए जा रही हूँ, और 29 को प्रैक्टिस है, 30 को क्या कहते शो है, 30 और 31 का शो था। 31 वाला मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि 31 में मेरा ऑलरेडी जजमेंट के लिए एक प्रोग्राम है चंडीगढ़ में, दोस्त का ही है वो भी कारण का, तो वहाँ जाना है मुझे, ठीक है। और बाकी कोई न्यू अपडेट होती है तो बताती हूँ। न्यू अपडेट ये है कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है कुरुक्षेत्र वाले, उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, वो ICU में है गाइस। तो देखते हैं क्या करना है कैसे करना है। दुग्गल जी की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही, 2-4 दिन से शुगर फ्लक्चुएट कर रही है बार बार ना, और क्या नाम आज वो गर्दन का झोल लेके चल रहे हैं वो, तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, देखते हैं। मासी को भी लेने जाना था, सारी चीज़ें इकट्ठी सी होगी, समझ नहीं आ रहा गाइस कुछ। तो इस टाइम देखो 8:30 हो गए गाइस, निकलते हैं घर। घर जाके फिर रोटियां बनाएंगे, थक आज तो बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप डांस हुआ आज, है ना, और बहुत ज़्यादा हुआ गाइस। चलो घर निकल रहे हैं, घर पे मिलते हैं। आज वर्कआउट भी अच्छा हुआ है, एक्सरसाइज भी हुई है, आधा घंटा वर्कआउट हुआ आज, कम से कम 25 मिनट की एक्सरसाइज हुई है गाइस। जिम तो जा नहीं रही हूँ ना, मॉर्निंग क्लासेस चल रही है, मॉर्निंग क्लासेस वाली बच्चियाँ भी बीमार हो रही है, विशाखा को फीवर हो रखा है, एक अपने मायके गई हुई हैं, ठीक है, और जो दो हैं उनको मॉर्निंग टाइम सूट नहीं कर रहा, तो इवनिंग आना चल रहा है उनका, और जो एक है वो घूमने गई हुई है शायद, ऐसा कुछ चल रखे हैं सीन। तो इस चक्कर में मेरा भी वर्कआउट नहीं हो रहा, बट मुझे रिलैक्स फील हो रहा है, नहीं तो मैं इतना सहन नहीं कर पाती। चलो ठीक है, घर मिल रही हम, जिम भी नहीं जा रही, और मैं क्या करूँ, 4 दिन की जिम रहती है, फिर वही सब वापस। चलो ठीक है बाय। तो इसने गंद पाया किचन में, तो आर्वियंस आई एम इंडा घर। अरे बच्चा कर रहे मम्मा, बच्चा ये मेरा बच्चा, मेरा इकलौता बच्चा है ना बेटे, तू ये काम बढ़ा घटाने की बजाय काम क्यों बढ़ाता है तू, हाँ। पापा यार मेरी चुन चुन को फीवर हो रखा है भाई, इसके सुइयां लगेगी अब कल से यार, दवाइयों से तो ठीक ही नहीं आ रही, गोलियां वगैरह इसको दे रहे हैं हम लोग। ये नहला दी ना उन्होंने ठंडे पानी में, तेरा काम था, ये तेरा आइडिया था, इसको नहला दो। जब से नहलाई ना आ गई से तब से वापस इसको फीवर आ गया यार। तो चलो खाना बनाते हैं गाइस, दाल बना दी हुई है दुग्गल जी ने, बाकी भिंडी की सब्जी पड़ी हुई है दिन की। मम्मा दूध बना दो, अभी तूने कॉफी पी, एक तूने आजकल कॉफी के डंडा दे रखा पी के, दूध बना दो ऊपर से यार नोनी, बना दो कॉफी और दूध, कभी भी इकट्ठा नहीं पीते, नहीं मैं नहीं बनाना दूध और कॉफी में क्या होता है दूध तो, हाँ तो फिर वही तो दूध और कॉफी कभी इकट्ठा नहीं बनाते, जल्दी बनाओ। देखा इसको हेल्प तो क्या करनी है अपनी माँ की, और ज्यादा बदतमीजी कर रहा है। अरे मेरा घुटना गया हुआ आज, मेरी बैक एक नोनी उठ जा, हाँ ऐसे बैठ जा। अरे नोनी डांस सुने गए सबके सामने, दुग्गल जी ने देखो दाल बनाई है, यूं कह रहे थे उड़द की दाल है, ये नहीं कौन सी दाल है, मूंग की दाल है, पता नहीं कौन सी। मम्मा तो अजीब सी दाल है, अरे पापा ना गाड़ी बना देते हैं यार, बोल भी नहीं सकते, फिर पापा का बुत्था चढ़ जाएगा, फिर ये भी नहीं बनने की यार भी। चलो कुछ तो बना हुआ है,
बस चपातियाँ बेलते हैं, खाना खाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। पैकिंग भी करनी है मेरे को, मॉडलिंग के लिए ड्रेसेस निकालनी है। जीजाजी की तबीयत भी यार, उन लोग उनको शिफ्ट कर दिया कुरुक्षेत्र से मलाना हॉस्पिटल में। ठीक हो जाए भगवान जी वो जल्दी, वाहेगुरु जी छेती ठीक कर दो ना। चलो खाना बना लो हमारे पास। ये क्या स्टाइल है भाई? नमस्ते नमस्ते, हाँ जी नमस्ते नमस्ते, छुन छुन मौसी नमस्ते, हाँ नमस्ते। तो चलो जी ऑडियंस, नींद टाइम हो गया है, सोते हैं गाइस, और कल मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। खाना वाना सबका हो गया है, ठीक है। दाल बहुत पसंद बनी थी, थैंक यू दुग्गल जी फॉर हेल्पिंग मी। एंड और क्या, और पता नहीं, आई होप कल सारी चीज़ें अच्छी जाए भगवान जी। कल बहुत सारे काम हैं, पैकिंग करनी है, ये थ्रेडिंग करवानी है, और भी पता नहीं बहुत कुछ है। ठीक है अरविंद, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ, कल मिल रही हूँ आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दें ऑडियंस, और देखते रहें आर वी कॉल के ब्लॉग्स। ऑडियंस वी विल रॉक वन डे, अपना टाइम आएगा गाइस, अपना टाइम आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, ये साइन जल्दी आएगा। चलो ठीक है, लव यू दिल से, टेक केयर दिल से, एंड बाय बाय। स्वीट ड्रीम्स, पागलपंती करनी ज़रूरी होती है, ऐसे मज़ा आता है ज़िंदगी जीने में। आप भी करके देखो, यू विल एंजॉय योर लाइफ। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट, बाय।